हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ नियर बाय शेयर के बारे में। वैसे तो आपने इस नाम को जरूर सुना होगा या अपने मोबाइल में जरूर देखा होगा, जिसके मदद से हम अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट के रिक्वायर्ड के बिना। तो वैसे हम अपने डाटा को ट्रांसफर करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या USB का यूज़ करते हैं, तो उसमें टाइम टेकन होता है और आपको बहुत टाइम लग और इंटरनेट के रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अब आप नियर बाय की मदद से विदाउट इंटरनेट के बिना भी अपने डाटा को हाई क्वालिटी में ट्रांसफर कर सकेंगे अपने मोबाइल से कंप्यूटर में इजीली। तो बिना देरी के चलिए देखते हैं किस तरह आप इसे नियर बाय को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, कोई भी ब्राउज़र को। तो चलिए मैं एक ब्राउज़र क्रोम को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है नियर बाय। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए, ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपको एंड्रॉयड दिखाई देगा, नियर बाय, इस पर क्लिक करना है, क्योंकि नियर बाय को गूगल ने एंड्रॉयड वर्जन के लिए बनाया और PC के लिए भी है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस देखिए ओपन होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे वायरलेस शेयरिंग विथ योर PC मेड इजी, इसके मदद से फोटो, डॉक्यूमेंट्स और अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को आप इजीली शेयर कर सकेंगे अपने फ़ोन से कंप्यूटर में, कंप्यूटर से फ़ोन में इजीली। कोई भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी USB की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए मिनिमम आपको क्या क्या ज़रूरी पड़ेगा, मिनिमम आपके सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। वाईफाई आप सिर्फ कनेक्ट करके रखिए, आपको ज़रूरत नहीं है इंटरनेट की रिक्वायरमेंट के लिए, सिर्फ कनेक्शन के लिए चाहिए आपको। और ये आपको विंडोज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ 10, 11 में इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर इंस्टॉल होने के बाद आपको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, आप साइन इन भी कर सकते हैं और विदाउट साइन इन करके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं विदाउट साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे टॉप में नाम देखने को मिल जाएगा, जो PC का नाम होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और सेंडिंग में यहाँ पे एवरीवन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे रिसीविंग के लिए No1 मिलेगा आपको, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एवरीवन करूँगा या मेरे कॉन्टेक्ट में है या ओनली माई डिवाइस, तो उसी के थ्रू मैं ईजिली यहाँ से सेंड कर सकूँगा। तो चलिए मैं इसे एवरीवन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे बैक करता हूँ, उसके बाद मैं इसे डन कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन आ रहा है और आपको एक लेफ्ट साइड में सेटिंग मिल जाता है, देखिए कीप एवरीवन मोड ऑन ऑल द टाइम, तो जिसके मदद से आप इस पर टिक लगा देंगे तो एवरीवन आपको सेंड कर सकेगा कभी भी। तो फिर देखिए टॉप में आपको सेटिंग का आइकॉन मिल जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको डिवाइस नेम, आप इजीली यहाँ से डिवाइस नेम को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए जो आप रिसीव करेंगे उसके लोकेशन को भी, फाइल को लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डाउनलोड पर रखा हूँ, तो आप अपने हिसाब से फाइल क्रिएट करके इसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपको विजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप विजिबिलिटी जो पहले भी आपको शो हो रहा था, अब यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो मैं एवरीवन रखा हूँ, तो आप यहाँ से एवरीवन कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट में जैसे आपका फ़ोन में जो कॉन्टेक्ट है वही आपको अलाउ करेगा और दूसरे कोई नहीं करेगा। और मैं ओनली माई डिवाइस, मेरे डिवाइस के सिवा और दूसरा कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए मैं फिलहाल के लिए अभी इसे एवरीवन रख देता हूँ। और ये एवरीवन सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे और दो ऑप्शन मिल जाता है, यूज़ एवरीवन मोड टेम्प्रोरी, तो इसे टेम्प्रोरी के लिए जैसे कोई भी मुझे भेजेगा तो टेम्प्रोरी के लिए वो भेज सकेगा। और यहाँ पे मैं अगर नीचे क्लिक कर देता हूँ कीप एवरीवन मोड ऑल द टाइम, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऑल टाइम वो विजिबिलिटी हो जाएगा, वो मुझे सेंड कर सकेगा ऑल टाइम। तो मैं इसे टेम्प्रोरी रखता हूँ अभी के लिए। उसके बाद मैं बैक कर देता हूँ बैक। तो फिर चलिए देखते हैं कुछ फाइल सेंड करके। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल रखा हुआ, एक फ़ोटो है, इस फोटो को मैं सेंड करना चाहता हूँ। सिंपली इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे लेके। तो देखिए मुझे अब यहाँ पे ऑप्शन चेंजेस हो रहा है। तो उसके बाद मुझे फ़ोन स्क्रीन पे जाना होगा और नियर बाय को ऑन करना होगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन स्क्रीन पे जाके उसे नियर बाय को ओपन कर लेता हूँ। तो फिर अपने फ़ोन स्क्रीन आने के बाद देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे नियर बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसे ओपन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए एवरीवन और कॉन्टेक्ट, तो मैं एवरीवन करता हूँ। उसके बाद मैं इसे डन कर देता हूँ। तो फिर देखिए मोबाइल में नियर बाय को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन का नाम शो हो रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो देखिए मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया, तो मुझे इसे रिसीव करने के लिए यस करना होगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे आ चुका है इजीली, देखिए 1 सेकंड के अंदर आ गया इजीली, कोई भी क्वालिटी में डिफरेंस नहीं है। तो फिर मैं अपने मोबाइल से कुछ फाइल आपको सेंड करके दिखाता हूँ अपनी PC में। तो फिर देखिए इस फोटो को मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मुझे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए नियर बाय का ऑप्शन मिल जाता है मुझे, तो इसे नियर बाय पर मैं क्लिक करता हूँ। तो फिर देखिए यहाँ पर मेरे PC का नाम शो हो रहा है, तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे रिसीव का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर देखिए मेरे डेस्कटॉप पे नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ इसे। तो फिर देखिए 1 सेकंड के अंदर, इतनी स्पीड के अंदर है मैंने जो इमेज भेजा वो आ गया, तो क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो ये मुझे बेस्ट लगा। तो फिर ये रहा किस तरह आपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं नियर बाई शेयर की मदद से विदाउट इंटरनेट के रिक्वायर्ड के बिना हाई क्वालिटी में। तो आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया, तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कॉमेंट करके बताइए ये इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा।
तो वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं टेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।